नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसकी शव यात्रा निकाली जाती है। इसमें उस व्यक्ति की जान पहचान के लोग शामिल होते हैं। हालांकि कई बार जब हम रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो हमें भी शव यात्रा दिख जाती है। इस स्थिति में आप कुछ खास उपायों को कर पुण्य और धन दोनों की प्राप्ति कर सकते हैं। शव यात्रा दिखे तो करें ये उपाय। पहला है, यदि रास्ते में आपको शव यात्रा दिख जाए तो कुछ पल के लिए अपने स्थान पर ही खड़े हो जाए। इसके बाद मृतक की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपका दिन अच्छा जाएगा, आपके सभी काम बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाएंगे। दूसरा है, यदि आप किसी विशेष काम से घर से बाहर निकले तो अगर आपको रास्ते में शव यात्रा दिख जाए तो वहाँ एक सिक्का डाल दे, फिर मृतक को प्रणाम करे। ऐसा करने से आप जिस काम के लिए निकले थे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तीसरा है, यदि सावन के महीने में शव यात्रा दिख जाए तो यह शुभ होता है। मान्यता है कि मृतक की आत्मा शिव में लीन हो जाती है। इस स्थिति में हमें शव यात्रा दिखने पर महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। इससे हमें पुण्य मिलता है, अगले जन्म में हम और भी सुख भोगते हैं। चौथा है, यदि आपको ब्राह्मण की शव यात्रा दिख जाए तो आप उसे कंधा देना ना भूले। शास्त्रों की माने तो ब्राह्मण की अर्थी को कंधा देना यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण की शव यात्रा देखने से आपका पूरा दिन शुभ जाता है। पांचवा है, अगर रास्ते में आपको शव यात्रा दिख जाए तो उसे प्रणाम करें, फिर अपने आसपास मौजूद किसी जरूरतमंद शख्स को दान में कुछ पैसे दे। ऐसा करने से आपके सभी अटके हुए काम समय पर पूर्ण हो जाएंगे। छठा है, शव यात्रा देखने के बाद आप किसी मंदिर में मृतक के नाम से कुछ पैसे दान कर दे। ऐसा करने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। सातवां है, यदि अर्थी दिख जाए तो उस पर फूल अर्पण करने का प्रयास करें। ऐसा करने से कुंडली में मौजूद ग्रहों का दुष्प्रभाव खत्म हो जाता है, साथ ही जीवन में दुख और परेशानियों से मुक्ति मिलती है। आठवां है कि रास्ते में अगर शव यात्रा दिखे तो राम का नाम जपना शुरू कर दे। ऐसा करने से आपको भी मौत के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद आप सभी सांसारिक बंधनों से आजाद हो जाएंगे। नौवां है, शव यात्रा दिखने पर मृतक के ऊपर मखाना डालना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य मिलता है। एक अन्य मान्यता ये भी है कि मानसिक रूप से पीड़ित शख्स यदि ऐसा करे तो उसे मानसिक शांति मिलती है। दसवां है, यदि रास्ते में शव यात्रा नजर आए तो उसे प्रणाम करने के बाद अपने ऊपर पानी के कुछ छींटे डाल दें। ऐसा करने से बुरी बलाएं आपसे दूर रहेंगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।